मेरा नाम मंजूर अहमद है और मैं कंगन का रहने वाला हूं। क्योंकि पिछले हमने देखा है पिछले दो साल कोविड के गुजरे हैं, उसमें काफ़ी परेशानी हुई पूरी उम्मत मुस्लिमा और पूरे जो है इंसानियत को काफ़ी जानें गंवाना हमें पड़ी। वो इस वजह से एक वायरस फैला था। अब जानवरों में भी काफ़ी किस्म की बीमारियां होती है, इसलिए मेरे हिसाब से हर एक जगह जहां पर मंडी हो इस बात की और कुर्बानी के जानवर जहां पर जो है बेचे जाते हैं, वहां पर एक टीम होनी चाहिए और उनकी तरफ से कम अज़ कम एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो स्टैम्प के हवाले से हो या फिर कोई दूसरा ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे एक इंसान को ख़रीदार को पता लगे कि इस जानवर में कहीं किसी किस्म की बीमारी नहीं है, ताकि कल को लोगों को कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल होना चाहिए। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुर्बानी के मुतालिक जब उनसे पूछा गया कि इसकी हकीकत क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये आपके बाप दादा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा लना फी, हमें इसके बदले में क्या मिलेगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिकुल्ली शअरतिन हसना, हर एक बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। फिर साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लम, बाल तो मतलब गायों में होता है या इसी तरह भैंस वगैरह में होता है, अगर कोई दुम्बा बेड़ वगैरह ज़बह करना चाहे उसमें तो ऊन होता है, उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, क्या उसमें भी यही फजीलत है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सूफ यानी ऊन के हर एक बाल के बदले भी नेकी मिलेगी। तो चूँकि आज अशरे ज़ुल्हिज्जा शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह ईद उल अज़हा के दिन हम सब मुसलमान जिस पर कुर्बानी वाजिब होती है कुर्बानी करते हैं बड़े शौक़ ज़ोक़ से, तो इसी सिलसिले में यहाँ से मैं गुज़र रहा था तो मुझे भी कुर्बानी के लिए मेंढा चाहिए था, तो इसलिए मैं यहाँ पर रुका, तो इसी के देखने के हवाले से मैं यहाँ से गुज़रा। मेरा नाम जी मोहम्मद मकबूल हूँ, मोहम्मद मकबूल लोन साहब, मैं यहाँ नज़दीकी रहता हूँ हकीमगंज में। देखो जी, कुर्बानी ऐसा मसला है, हर एक का दिल करता है कुर्बानी करने के लिए, सुन्नत इब्राहिम है। तो अब किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास कम ज़्यादा, तो अक्सर लोग कुर्बानी के ख्वाहिश में होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ख़ास अरेंजमेंट इसके लिए नहीं है। जैसे कि बकरवाल लोग या बाकी लोग जो बेड़ों बकरवाल लोग बकरे लाते हैं, इनके लिए न बीमारी देखने का कोई इंतज़ाम है गवर्नमेंट की तरफ से, न इनको कहीं नाप तोल करने की मतलब कितना वज़न है क्या है, मैक्सिमम लोगों को धोखा लग रहा है। इसलिए इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए वो जगह जगह अपनी टीमें बिठाएँ, ताकि एक तो देखें ये कि इनमें कोई बीमारी नहीं है, दूसरा देखें कि लोगों के साथ कोई धोखा भी नहीं हो रहा है। इसे देखने में तो लग रहा है ठीक है, लेकिन डॉक्टर ही सही बता सकता है, हम तो आम लोग हैं, हम नहीं बता सकते हैं ये ठीक है नहीं है। शिप वाली भी, शिप वालों का भी बंदा होना चाहिए और गवर्नमेंट का भी, जो देखें कि कहीं लोगों के साथ कहीं चीटिंग तो नहीं हो रही है। एक मंडी होनी चाहिए जहाँ पर ये सारे लोग जमा हो जाएँ और लोग भी वहाँ ही पहुँचें, वहाँ पर गवर्नमेंट का अरेंजमेंट हो, शिप वाले भी हों और गवर्नमेंट के मुलाजिम भी हों, जो देखें कि लोगों के साथ कोई चीटिंग तो नहीं हो रही, धोखा तो नहीं हो रहा।